एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन ऑन इंडिया। मेरा नाम है नाजिया। मेरा नाम है मिनाहिल। तो आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार अंडर 10 लाख, और इनके चैनल का नेम है मोटर ऑप्टेन। तो आज हम ये वीडियो देखने वाले हैं, और इस वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जरूर इनके चैनल को आप लोग चेकआउट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे बाकी लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो वहां पर जाकर उसको भी फॉलो करें। तो मेरे ख्याल से जरा सी भी देर के बगैर जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं वीडियो। हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज आई गॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग। हम कहते हैं ना ईवीज में और अफोर्डेबल गाड़ियां हैं, तो आज हमारे साथ पता है कौन सी गाड़ी जुड़ी है? टाटा टियागो ईवी। जी हाँ, इट्स फाइनली लॉन्च। आपके साथ मैं पूरी प्राइसिंग शेयर कर रहा हूँ, अंडरनीथ सारी प्राइसिंग देख लो। इसमें आपको दो ऑप्शन आते हैं, एक छोटा बैटरी पैक, एक ज्यादा बड़ा बैटरी पैक। सो लेट्स गेट इन टू वन बाई वन डिटेल्स और आपको सब चीजें बताते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि टियागो का जो टिपिकल डिजाइन लैंग्वेज है उसे कैरी फॉरवर्ड किया गया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक टियागो ही है। आप नोटिस करोगे जो इसकी ग्रिल है स्पेसिफिकली, तो जो ईवी पैटर्न आ गया कि वो बंद पार्ट है और यहाँ से ओपन है, वो एलिमेंट यहाँ दिया गया है। ईवी की बैजिंग इन द फ्रंट, एंड जो आपने नेक्सॉन टिगोर दोनों में ईवी कलर देखा है वो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। प्लस यू ऑल्सो गेट द ब्लू स्ट्रिप जो हर टाटा की ईवी में आज आ रही है। लोअर पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको ट्राई एरो मोटिव मिल जाता है, और ये ओपन पार्ट है। अब अगर आप इस गाड़ी के लाइट्स देखते हैं, आई विल शो यू द लाइट्स, देख लीजिए प्रॉपरली। इसमें आपको हैलोजन तो मिलता है, प्लस आपको प्रोजेक्ट लाइट भी मिल जाती है इसके अंदर। लेट मी शो यू हाउ द लाइट लुक्स। सो इसकी लाइट देख रहे हैं, हाई बीम, लो बीम, एंड इसका डे टाइम रनिंग एलईडी जो है अंडरनीथ माउंटेड है इसमें। सो कुछ इस तरीके से लगती है गाड़ी। अब अगर आप इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं, यहाँ पे इट्स अगेन वेरी सिमिलर टू टियागो हैज बीन। अच्छा, फ्रंट से लग रहा है कि बड़ी गाड़ी है। किया गया, जैसे अगर आप इसका व्हील देखते हैं, व्हील्स पे नोटिस करोगे तो 14 इंच व्हील्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। व्हील साइज में भी फर्क नहीं है, 175 के ही है। हाउएवर इसका जो डिजाइन पैटर्न है व्हील का वो चेंज कर दिया गया है। ऑलराइट, एंड अब यहाँ पे ईवी की बैजिंग आ गई है आपको, और इसमें डॉट ईवी दिया है। आप नोटिस करोगे अक्रॉस द कार इन्होंने डॉट ईवी हर जगह लिखा गया है। आप अगर ये जो वेरिएंट देख रहे हैं टॉप एंड मॉडल है, तो इसमें जो मिरर्स आ रहे हैं दैट इज ब्लैक इन कलर ऑन दिस बॉडी कलर। ओके, एंड अगर आप इसके डोर हैंडल्स देखते हो तो इसमें भी वो ब्लैक एलिमेंट्स आ जाते हैं। प्लस आपको पैसिव एंट्री भी यहाँ मिल जाता है। सो यू गेट दैट पैसिव एंट्री ऑन द टियागो जो आपने पहले नहीं देखा है ऑन द अदर वेरिएंट्स ऑफ टियागो। एंड पीछे के डोर हैंडल पे भी आपको ब्लैक आ जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैक ऑफ द कार। यहाँ पे डिजाइन में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम जैसे टियागो होती है, सिमिलर टेल लैंप्स। यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं आया है इसमें। इट गेट्स बल्ब इंडिकेटर जो इसका बल्ब में है, एंड एवरीथिंग एल्स इज बेरली बेसिकली द सेम। एक दो चीज में रादर दो चीजें आपको दिखाने वाला जो चेंज हुई है। सबसे पहला आपको टियागो डॉट ईवी की बैजिंग यहाँ पीछे की तरफ दी गई है। सेकंड, पहले जो बूट खोलना पड़ता था आपको गाड़ी के अंदर जाके खोलना पड़ता था, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक रिलीज मिल गया है। पहले आपको अंदर से ही करना पड़ता था, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास अच्छी खासी बूट स्पेस है। प्लस क्योंकि अब टियागो में आपको पंचर किट ही मिलता है, स्पेयर टायर नहीं है, तो इस वजह से आपको नीचे अंडरनीथ बैटरी इसमें प्लेस हो जाती है। तो ये रहा आपका बैटरी, यहाँ तक आ रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज देयर। ये आपका चार्जर है। ओके, ये आपका होम वॉल सॉकेट जिसे बोलते हैं वो टाइप का चार्जर यहाँ दिया गया, और आपका जो पंचर रिपेयर किट है वो यहाँ पे प्लेस किया गया है उसको। ओके, सो दिस इज व्हाट द बैक ऑफिस। मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप इसकी सीट्स देखते हो तो ये सीट फोल्ड होती है फुल 100%। इसमें आपको 60-40 नहीं दिया गया है। अब जाते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं क्या क्या मिलता है। ऑलराइट, यहाँ पे हम बैक सीट पे आ गए हैं। ओवरऑल इट्स अ टियागो, तो यहाँ पे स्पेस चेंज नहीं हुई है, तो फ्रंट सीट पे अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। आई एम 6 feet टॉल, और यहाँ पे डिसेंट इनफ मेरे पास नी रूम है। एंड अगर मैं हेडरूम बताता हूँ आपको, सो इट्स स्टिल गुड इनफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब अगर यहाँ पे टॉल पैसेंजर्स मेरी तरह बैठते हैं तो उनके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिया गया, विच मीन्स अगर आपको बैठना है तो आपको थोड़ा झुक के बैठना पड़ेगा अगर आपको हेडरेस्ट का कंफर्ट उठाना है। और सिर्फ दो आते हैं, तीन नहीं दिया हुआ।
नेक्स्ट चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे कहीं पे भी आर्मरेस्ट नहीं आता है, आपको 3 सीट बेल्ट्स मिलते हैं पीछे, तो 2 साइड वाले जो हैं वो 3 पॉइंट के हैं, ओके, दोनों साइड 3 पॉइंट है, और सेंटर जो बैठने वाला है उसको एक लैप बेल्ट मिल जाता है विच इज अ 2 पॉइंट बेल्ट, ओके। पीछे अगर आप फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो आपके पास पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपके पास यहाँ पे अगर देख रहे हैं कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलता है, और अगर चाबी दिखा दूँ तो लॉक अनलॉक लाइट एंड बूट ओपनिंग की चाबी यहाँ सिमिलर जैसे आपको दूसरी टाटाज में मिल जाती है। तो पहले बार टियागो में ऐसी चाबी आ रही है, पहले नहीं आती थी टियागो में ऐसी चाबी, नाउ यू गेट दिस की, वरना टियागो में आपको जनरली फ्लिप की आती है, और इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप पहले बार इंट्रोड्यूस किया गया। अब अगर मैं आपको फ्रंट दिखाऊँ, लेट्स स्टेप इनटू द फ्रंट, ऑल राइट, तो अगर आप इसके इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, वैसे ही ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक्स यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन दैट, बट क्वालिटी फिट एंड फिनिश इज सिमिलर जो आपको टियागो टिगोर में ऑलरेडी आती है, हावेवर ड्यू टू दिस ब्लैक फिनिश ये थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है देन वॉट द टियागो टिगोर, लाइक टिगोर पहले ग्रे आती थी, सो यू नो दिस फील्स अ लिटिल मोर रिच कंपेरेटिवली ओके। आपको ब्लू एलिमेंट्स मिल जाते हैं इसमें अक्रॉस बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे रहा आपका टच स्क्रीन सिस्टम, ओके, सो इट्स द सेम 7-inch टच स्क्रीन सिस्टम जो आपको आता है इन द अदर टाटा कार्स, और अगर मैं इसमें रिवर्स दिखा दूँ आपको, तो इसका रिवर्स कैमरा है समथिंग लाइक दैट, इसमें आपको डायनेमिक टर्न मिल जाता है यहाँ पे। लेट्स मूव ऑन टू अदर एलिमेंट्स, आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, तो इससे आप रीजेनरेटिव ब्रेकिंग से जिससे इसे लेवल्स बढ़ा सकते हैं, इसे घटा सकते हैं। ये रहा आपका गाड़ी का फॉग लैम्प, एंड ये बेसिकली है टू लॉक द टू अनलॉक द कार, दिस इज टू लॉक अनलॉक द कार, ये वाइल चार्जिंग के लिए है, एंड दिस इज योर बूट ओपनिंग, यहाँ से भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। अंडरनीथ आपके पास मिल जाता है क्लाइमेट कंट्रोल फॉर दिस कार विच कैन बी कम्प्लीटली विजिबल, अगर आप यहाँ से ऑपरेट करते तो आपको यहाँ दिखता है, और आप यहाँ से भी इसे ऑन और ऑफ कर सकते हो, ओके। नीचे अगर आप देखते हो तो आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जर है, एक यूएसबी पॉइंट है, और यहाँ पे आप अपना फोन रख सकते हो, प्लस यू ऑल्सो गेट सम योर गियर लिवर योर विच इज द नॉब, तो जो भी आप टाटा की गाड़ियाँ देखते हो इलेक्ट्रिक में उनमें आपको रोटरी नॉब आता है, सिर्फ ईवी मैक्स में आपको ज्यादा एक्सपेंसिव वाला जूल क्राउन करके जो उनका रोटरी नॉब है वो आता है, प्लस यू हैव स्टोरेज स्पेस, आई एम गोइंग इनटू एवरीथिंग फॉर यू। 2 कप होल्डर्स यहाँ बैठ जाएंगे, आपके पास यहाँ पीछे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है, आपके पास हैंड ब्रेक है, और इसमें आप अगर यहाँ देख रहे हो तो यहाँ पे आपको लेदरेट मिल रहा है, तो टिगोर में आपको लेदरेट नहीं आता है, पहले बार आपको लेदरेट दिया जा रहा है ऑन द टिगोर, एंड आई थिंक दैट्स अ गुड प्लस पॉइंट। नेक्स्ट चीज स्टीयरिंग व्हील देखते हो तो ये लेदर रैप्ड है, ऑलराइट। लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स है फॉर ऑडियो, राइट साइड पे कंट्रोल्स है फॉर क्रूज, जी हाँ क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी को मिल गया है, एंड लाइक आई सेड इसको पुश स्टार्ट स्टॉप भी आता है अभी विच इज राइट ओवर हियर, ओके। अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं यहाँ पे फॉर द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्पेसिफिकली, आप नोटिस करोगे कि दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर टिगोर टियागो दोनों से, और भले ही वो भी कम्प्लीटली डिजिटल है, पर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ड्राइव एंड रीजन का अलग से लिखा हुआ है, एंड अगर आप दूसरी चीज़ें नोटिस करते हो तो यहाँ पे यू कैन कीप ऑन चेंजिंग योर इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको ट्रिप दिखाता है, ओडो दिखाता है, दैट्स अबाउट इट। अब अगर मैं गाड़ी यहाँ ड्राइव में डालता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि दिस कार एक्चुअली गेट्स दिस इन ब्लू, तो इसका ये बैक जो है ये ब्लू बैकलेट है, एंड यहाँ पे भी देख लीजिए जो आपका रेंज दिखा रहा है दैट्स ऑल्सो ब्लू इन कलर। अब नेक्स्ट चीज़ों की तरफ हम जाते हैं, वैसे इस गाड़ी में आपको ड्राइविंग मोड्स भी हैं, बेसिकली डी और एस दोनों में चला सकते हो, सो जो आपका डी एन एस है वो आपके गियर नॉब पे ही आ जाता है, ऑलराइट। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स अदर फैक्ट्स, मैंने आपको प्राइस ऑलरेडी इस गाड़ी की बता दी है, राइट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू द प्राइस ऑफ द व्हीकल। दूसरी चीज़ें आप जानना चाहोगे तो इसमें आपको 2 बैटरी पैक्स आते हैं, एक आता है 250 रेंज वाला और दूसरा आता है 315 किलोमीटर का क्लेम्ड रेंज, दोनों दोनों बैटरी पैक्स आते हैं, जो बड़ा बैटरी पैक है वो हायर प्राइस पॉइंट पे आता है, और जो XE एंड XT वेरिएंट्स है उस पे आपको छोटा बैटरी पैक मिलेगा, XT पे आपको छोटा एंड बड़ा दोनों का ऑप्शन दिया गया, वेराज अगर आप यू नो बड़ा बैटरी पैक लेते हैं उसमें भी आपको 2 टाइप के चार्जेस आते हैं, एक जो आपने पीछे बूट में देखा ऑलरेडी, और एक दूसरा आता है 7.2 किलोवाट आवर का जो मैं आपको बाहर दिखाने वाला हूँ। सो जो 7.2 किलोवाट आवर का बैटरी आता है चार्जर आता है
उसको इंस्टॉल करने के लिए आपसे 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा लिए जाते हैं जस्ट फॉर द चार्जर. सो ओवरऑल ये एक डिफरेंशिएशन आ जाता है जिस वजह से आपकी गाड़ी ज्यादा फास्ट चार्ज होगी. प्लस अगर आप इसे चार्ज करते हो ना डीसी फास्ट चार्जर जो आपको बाहर जाके करना पड़ेगा, देन इन दैट केस आपका जो अप्रोक्सीमेट चार्ज टाइम रहेगा वो 0 to 80% रहेगा इन अबाउट 57 minutes विच इज फैंटास्टिक. सो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन है ऑन द टियागो. ये 0 to 60 करती है वेरी क्विकली ऑल्सो. सो ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस पे काफी काम किया गया है, बैटरी पैक को एनहांस किया गया, और अगर आप देखते हो तो बूट स्पेस ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं की गई है इस गाड़ी के अंदर. सो ओवरऑल आप अगर चाहते हो एक मेरे को छोटी गाड़ी लेनी है जो मैं खुद सिटी में चलाऊं, तो आप बड़ी रेंज वाली भी ले सकते हो अगर आप कभी कभार बाहर भी जाते हो. सेकंड, अगर आप लेना चाहते हो एक सेकंड कार अपने लिए, लाइक आपके लिए, आपकी वाइफ के लिए, और आपको एक ऑटोमेटिक सिटी के लिए सेकंड कार चाहिए, तो इन दैट केस आप इसका लोअर रेंज वाला गाड़ी भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज 250 इज अ गुड इनफ रेंज फॉर सिटी. अगर मैं इसका यू नो 60% रेंज भी कंसिडर करूँ तो अबाउट 150 to 170 जो रेंज आएगा आपको, दैट शुड ऑल्सो बी आइडियली सफिशेंट आपके डेली यूज के लिए अगर आप वो सेकेंड कार रोज भी निकालते हो. तो मेरे हिसाब से टियागो का पैकेजिंग बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत एक्साइटिंग है. प्राइस कैसी है? इट्स एन इंट्रोडक्टरी प्राइस बाय द वे जो हमने आपको दिखाया. आई विल जस्ट शो यू द प्राइस वंस अगेन. ये पूरा इंट्रोडक्टरी प्राइस है. गाड़ी की बुकिंग 10th अक्टूबर से शुरू हो रही है, बट इसकी डिलीवरी जैन 2023 से चालू होगी, और जो पहले 10,000 कस्टमर्स है उसको उनको ही ये प्राइस ब्रैकेट मिलेगा. उसमें भी टाटा मोटर्स कह रहा है कि जो ईवी बायर्स है उनके एग्जिस्टिंग, जैसे नेक्सॉन या टिगोर जिन्होंने ऑलरेडी खरीदी हुई है, वो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं टाटा मोटर्स के पास कहते हुए कि हमें एक और एक गाड़ी खरीदनी है घर के लिए. तो उसमें से 10,000 में से 2,000 गाड़ियां उन लोगों के लिए रिजर्व की है जिन्होंने ऑलरेडी यू नो एक नेक्सॉन या टिगोर ईवी चला रहे हैं. सो गाइस ये था मेरा आज का डिटेल्ड वॉक अराउंड ऑफ दिस न्यू कॉम्पैक्ट ईवी. क्या आप कॉम्पैक्ट ईवीज आपको इंटरेस्टेड है और यू वॉन्ट टू नो मोर टूवर्ड्स द बिगर साइज ऑफ ईवीज? दैट्स अ क्वेश्चन वी ऑल डोंट नो द आंसर टू इट एट द मोमेंट. वैसे अगर मैं ये प्राइस पॉइंट पे बात कर लूँ तो और दो ईवीज आने वाली है इन द कमिंग टाइम लाइन. एम जी अपनी ईवी लाने वाला है जो हमने आपके लिए ऑलरेडी इंडोनेशिया में कवर किया हुआ है, बट जो हमने इंडोनेशिया में दिखाया था वो थोड़ा बेसिक वर्जन था और उससे प्रीमियम वर्जन आने वाला है, बट वो उसके डायमेंशन डिजाइन सब अलग टाइप के. आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, आई एम लीविंग द लिंक इन आई बटन. दूसरा, सिट्रॉन अपनी C3 जो उनकी हाल ही में लॉन्च हुई है हैचबैक, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन अगले साल लाने वाला है. सो ये दो और ईवीज आने वाली है समवेयर सिमिलर प्राइस पॉइंट में, सिमिलर साइज में. सो डज दैट ऑल्सो मेक यू वेट फॉर इट? वी विल वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट. अब आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ. उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया. प्लस अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो. जी हाँ, आपको सिर्फ motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है. वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स बने एंड बुक योर कॉल टाइमिंग. यस, यू गेट अ 15-मिनट कॉल विथ एन एक्सपर्ट, नॉट ऐसे कुछ भी. या हम कोई यू नो कॉल सेंटर में किसे बात नहीं करो, ये सारे एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है एंड वो आपके डाउट्स पूरी तरह क्लैरिफाई करेंगे. आई स्पेंट वर्किंग 6 months विथ ईच वन ऑफ देम बीइंग ट्रेन्ड, और अभी भी उनकी वीकली ट्रेनिंग होती है, सो दैट यू डू नॉट एंड अप विद द रॉन्ग कार. अब बिफोर आई एंड दिस वीडियो एक और एक चीज आपको कहना चाहता हूँ. सब्सक्राइब कीजिए टू द मोटर ऑक्टेन चैनल, वरना आप मिस कर रहे हैं बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आपके लिए रोजाना लाते हैं. प्लस वो नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं उसको भी बेल आइकन उसको भी एक्टिवेट करिए, वरना आप मिस कर रहे हैं जो रोजाना वीडियोज हम ला रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही नहीं. तो सब्सक्राइब करके यू लूज आउट ऑन द इन्फॉर्मेशन. आई एंड दिस वीडियो हियर. मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो. टेक केयर, सी यू गाइस, बाय. नहीं, मुझे तो वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी है, बहुत जबरदस्त. और मेरे ख्याल से ये टियागो का जो मतलब ईवी है पहले की गाड़ी, उसने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है. हाँ, ईवी में किया, थोड़ी सी बहुत जो है वो चेंजेस किए हैं, जैसे वो जो उसकी डिग्गी है वो इलेक्ट्रिक की है, तो और भी ऐसे कुछ उन्होंने थोड़ी बहुत चेंजेस की है. मुझे तो बेहद अच्छी लगी, स्पेशली जो बूट स्पेस है वो काफी ज्यादा है, उसके और भी इंटरनली अगर जाए तो काफी कुछ मतलब रखने के लिए, जो आपकी गाड़ी का इंटीरियर है उसके अकॉर्डिंग चीजें रखने के लिए काफी स्पेस है. इसके अलावा उसके ऊपर जो उन्होंने एक लेयर उठाई थी, मतलब उसके ऊपर की स्पेस तो है या उससे नीचे भी स्पेस है, तो बहुत जबरदस्त है भाई. और हर चीज आपको मिल रही है, और
प्राइस कितनी रीजनेबल है? प्राइस भी रीजनेबल है, और दूसरा सबसे बड़ी बात इनकी यह कि पाकिस्तान में तो ये फैसिलिटी है नहीं, वरना हम जरूर इसे फायदा उठाते हैं कि मतलब अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हो और कंफ्यूज हो तो भाई आप इनसे राब्ता कर सकते हो। बिल्कुल, ये बहुत जो है ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा की आपको मतलब गाड़ी एक बहुत मतलब बंदा इतनी अपनी जमा पूंजी जो होती है वो जमा करके जो है वो अपने लिए कुछ सेविंग करता है, गाड़ी खरीदता है, तो वो अगर खराब आ जाए या रॉन्ग आ जाए तो आपको दुख होता है कि यार मेरा पैसा जो है वो बेकार गया है। तो आपके पास तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप इनसे रابطہ करके तो अच्छी डिटेल ले सकते हो कि आपने कौन सी गाड़ी लेनी है। हाँ, जिनको ज्यादा न्यू गाड़ियां लेने का शौक है, जैसे न्यू मॉडल्स अगर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है न्यू मॉडल्स के बारे में आपको इतनी नोहा नहीं होती है, तो आपको वैसे तो ये वाली वीडियोस काफी मतलब ऐसी वीडियोस हैं जो कि आपको प्रॉपर, जैसे ये बहुत प्रॉपरली इन्होंने एक एक चीज के बारे में डिफाइन किया है। इसके अलावा भी वो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप फोन करके अगर आपने बाय करनी है तो 15 मिनट्स की हार्डली कॉल है, और आप जो है वो एक्सपर्ट्स के साथ वो आपको हर एक एक चीज के बारे में बताएंगे कि क्या, जाहिर सी बात है वो लोग यूज कर चुके हैं, उनको पता है, मतलब कितनी देर तक ये चलेगी या कितनी देर तक उसके बाद इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो हर चीज के बारे में नोहा उनको है, तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे बेहद अच्छी लगी भाई टाटा की, हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं एक्सपो उनकी 2023 की, और ये भी लॉन्च होगी आई थिंक 2023 की जैन में ये लॉन्च होनी थी। और सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों का है जो पहले टाटा की ये गाड़ियां यूज कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने 2000 जो है वो अलहदा करके रखी हुई है, 10,000 उन्होंने लॉन्च कर लिया है जैन में, तो 2,000 उनमें से अलहदा उनके लिए रखी हुई है, तो बहुत बड़ी टाटा वालों की तो क्या बात है। हाँ, और दूसरा वो चार्जर का एक था कि 50,000 का जो चार्जर है, मेरे ख्याल से वो इसके साथ बाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि बार बार मतलब कुछ कहाँ भी जाके चार्जिंग पॉइंट पे जाके बंदा चार्ज करे, वो भी उसमें 80% 1 आवर में चार्ज होता है, वो भी नो डाउट के बेहतर है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इसके लिए बाय करना चाहिए 50,000 या ना। और जिन्होंने कार बाय करनी है वो कहते हैं चलो 8 लाख से स्टार्ट हो रही है भाई इनकी प्राइस, तो अगर इतने की कार है तो चलो खैर है, 50,000 का चार्जर अपनी चीज तो होगी ना, जब मर्जी रात को लगाओ, जब मर्जी मतलब रात को लगा के छोड़ दो सुबह अगर आपने डेली में यूज करनी है तो। ओवरऑल मुझे तो बेहद अच्छा लगा, छोटा सा मतलब छोटी सी गाड़ी मुझे वैसे ही बड़ी पसंद है। और खास तौर पे वो कह रहे थे कि जी भी अगर आप अपनी मिसेस के लिए खरीदना चाहते हैं तो भाई जल्दी जल्दी अपनी मिसेस को ये गाड़ी खरीद के। खैर ये थी आज की वीडियो और हमने तो बहुत एंजॉय किया, होप सो आप लोगों ने भी किया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक दी हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।